YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाकर पाएं प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। महागठबंधन उम्मीदवार मनोज यादव शुक्रवार को लातेहार पहुंचकर कांग्रेसी व महागठबंधन के नेताओं के खास मुलाकात की। मनोज यादव 6 अप्रैल शनिवार को नॉमिनेशन करेंगे। उन्होंने लातेहार में पत्रकारों को बताया कि लातेहार जिला कई मामलों में पिछड़ा है, जिले का विकास अब तक नहीं हो पाया है। महागठबंधन की जीत के बाद लातेहार जिले का समुचित विकास किया जाएगा। लातेहार की जनता को सबसे ज़्यादा व सबसे पहले बुनियादी सुविधाएँ दी जाएगी। इधर कांग्रेस जिलाध्यक्ष मुनेश्वर उरांव ने बताया कि मनोज यादव मिलनसार प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, जनता की सेवा करना उनकी प्राथमिकता में शामिल है, उन्हें वे भली भांति जानते हैं, पूर्व में भी वे कई बार विधायक रह चुके हैं। हम महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे और कल नॉमिनेशन करेंगे। हम लातेहार की जनता जो उपेक्षित रही है, यहाँ के सुविधाओं का जो अभाव है, हम यहाँ के लोगों के साथ कंधे से कंधे मिलकर चलेंगे और साथ चलेंगे और यहाँ की समस्याओं का समाधान करने का भरपूर प्रयास करेंगे।